अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको एक ऐसी तारीख़ी मस्जिद की ज़्यारत कराएंगे और ज़्यारत के लिए लेकर चलेंगे ऐसी मस्जिद की जानिब जिसको एक बहुत बड़े वली कामिल हज़रत मखदूम शाह सफ़ीउल्लाह ने 1915 के बाद जिसकी बुनियाद डाली थी। और ये मस्जिद खानकाह आरफिया सैयद सरावा कौशंबी अलाहाबाद उत्तर प्रदेश इंडिया में ये मस्जिद वाक़ है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज हम इस मस्जिद की ज़्यारत करेंगे जो कि एक तारीख़ी मस्जिद है और 1915 के बाद जिसकी बुनियाद पड़ी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी ज़्यारत आज हम करेंगे जिसमें कई सारे औलिया इकराम ने नमाज पढ़ी, दावत तबलीग का काम अंजाम दिया। तो आइए चलते हैं अंदर। हम ये देखिए, ये सारी डिज़ाइन और सारा नक्शो निगार ये उसी ज़माने का है। इसमें हुजूर दाई इस्लाम से लेकर हज़रत मखदूम शाह अहमद सफ़ी, हज़रत मखदूम शाह सफ़ीउल्लाह जैसे कई सारे औलिया कराम ने इसमें नमाज़ पढ़ी, दावत तबलीग का काम अंजाम दिया और रियाजत मुजाहिदा जैसे कई सारे दीनी उमूर अंजाम दिए। हज़रात मोहतरम, ये एक ऐसी मस्जिद है जिसमें अल्लाह के कई सारे वली तब से लेकर आज तक इसमें नमाज पढ़ते आ रहे हैं। और ये दरवाज़ा जो हम सामने देख रहे हैं, ये दरवाज़ा हुजूर दाई इस्लाम इसी दरवाज़े से अंदर आते हैं मस्जिद में और इस जगह पर वो नमाज़ पढ़ते हैं। ये खानकाह आरफिया की कदीम मस्जिद है और अब एक नई मस्जिद बाज़ाब्ता तामीर हो चुकी है जिसकी बुनियाद 2006 में पड़ी थी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसकी भी हम दूसरी वीडियो में ज़्यारत करेंगे। तो ये खानकाह आरफिया की कदीम मस्जिद है जिसकी हमने ज़्यारत की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सभी औलिया इकराम की फ्यूज़ो बरकात हम सभी को अता फ़रमाए। आमीन।